भोजपुरी गायक, अभिनेता और नेता मनोज तिवारी का इतिहास। मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1971 को अतरवलिया, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हुआ था। वे पेशे से गायक, अभिनेता और राजनेता हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई शिव निकेतन उच्च विद्यालय बड़वानी से की है और इंटर की पढ़ाई आदर्श इंटर कॉलेज से की। प्रारंभ में उन्होंने भोजपुरी उद्योग में एक गायक और अभिनेता के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2003 में ससुरा बड़ा पैसे वाला नाम की एक फिल्म की थी, जो कि एक बड़ी हिट थी। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध गाने जैसे निमिया की डार और रिंकिया के पापा आदि हैं। मनोज तिवारी अपने सभी भोजपुरी गीत एल्बम्स में मृदुल निकनेम का उपयोग करते हैं। उन्होंने 2010 में बिग बॉस नाम के रियलिटी शो के 4th सीजन में भी भाग लिया था। उनके भाई ने उन्हें एक पुलिसकर्मी बनाने का इरादा किया था, लेकिन मनोज तिवारी रिश्वत देकर नौकरी नहीं करना चाहते थे। मनोज तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी ने एक भोजपुरी गायक और अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध चेहरा है। 2003 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला में एक भूमिका निभाई, जो एक व्यावसायिक हिट थी, और कहा जाता है कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित किया। उनकी अन्य सफल भोजपुरी फिल्मों में दरोगा बाबू आई लव यू और बंधन टूटे ना शामिल हैं। मनोज तिवारी का परिवार। उनके पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी था, जो कि एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे, और उनकी माता का नाम ललिता देवी। उनके एक भाई हैं जिनका नाम पुष्कर तिवारी है, और ये 4 भाई बहन हैं। इनके 2 भतीजे हैं जिनका नाम राहुल तिवारी और राजेश तिवारी है। उन्होंने सुरभि तिवारी से शादी की और उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 30 दिसंबर 2020 को हुआ था। इससे पहले उन्होंने 1999 में शादी की, जिसके साथ वे 2012 तक रहे। उनका नाम रानी तिवारी है। 2012 में उनका तलाक हो गया। उनकी एक बेटी जिया तिवारी है। मनोज तिवारी ने फिर सुरभि तिवारी से शादी कर ली। नए जोड़े ने 2020 में अपनी एक और बेटी का स्वागत किया। मनोज तिवारी का पॉलिटिकल करियर। 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के योगी आदित्यनाथ से हार गए। 2013 में वे आधिकारिक तौर पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और आपके आनंद कुमार को 1,44,084 मतों के भारी अंतर से हराया। 2016 में उन्हें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3.63 लाख मतों के भारी अंतर से हराया। मनोज तिवारी की पसंदीदा चीजें। पसंदीदा खिलाड़ी। महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली इनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। इनका पसंदीदा खेल है क्रिकेट और इनके पसंदीदा राजनेता हैं नरेंद्र मोदी। इनके पसंदीदा अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन। इनका पसंदीदा खाना है खुरमा और लिट्टी चोखा। मनोज तिवारी के बारे में चौंकाने वाले रोचक तथ्य और रहस्य। उन्हें भाजपा का दिल्ली विंग अध्यक्ष बनाया गया। वह यकीनन भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार हैं। वह पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन 2014 के चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हो गए।